कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक राठौर ने सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने इस मौके पर केरल की तर्ज पर संविधान के 73वें संशोधन को लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पंचायती राज की शक्ति विहीन कर चुकी है, जबकि 15वें वित्त आयोग की एक किस्त भी जारी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की लाल किले के प्राचीर से प्रधान सेवक आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, जबकि पंचायती राज को बर्बाद करने में आजकल की सरकार लगी है। पूरे हिमाचल प्रदेश में जिलों स्तर पर दौरा करके अपने जिला के पदाधिकारियों को और उसके बाद ब्लॉक के पदाधिकारियों को आने वाले पंचायती राज के चुनाव के लिए कुछ इश्यूज के साथ फील्ड में भेजने की तैयारी में है, जिस प्रोसेस में आज हम यहाँ जिला मंडी में सुंदरनगर पहुँचे हैं। हमारा ये मानना है अगर हमने देश को आत्मनिर्भर करना है तो हमारी देश की जो पंचायतें हैं अगर वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी, हमारा जो प्रदेश और देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जहाँ तक बात है, अभी मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि 15वां वित्त आयोग अभी जमीन पर नहीं उतरा है, फंडिंग पंचायतों की बंद हो चुकी है और आने वाले समय में नवंबर दिसंबर में चुनाव भी होना है और अभी एक भी किस्त जो है 15वें वित्त आयोग की जारी नहीं हुई, प्रदेश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं जो एनओसी देने की ताकत हमारी पंचायतों के पास सुरक्षित थी, जो हमारी ग्राम सभाएं निर्णय लेती थी कि हमने क्या काम होने देना है क्या काम नहीं होने देना है, अगर उसकी बात करते हैं तो कुछ ही समय पहले, लगभग 2 वर्ष पहले, पंचायतों से ये एनओसी देने का अधिकार भी छीन लिया है। एक बात का प्रॉमिस हमारी सरकारों ने किया था, हिमाचल प्रदेश में सरकार ने किया था कोविड-19 के चलते, कि जो रोजगार है मनरेगा के तहत वो 120 दिन का किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये जमीन पर लागू नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन को ये मंशा नजर आ रही है प्रदेश सरकार की कि वो जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्था हैं उनको तो कमजोर कर ही रही है और साथ में जो हमारा बेस है ग्राम स्वराज की अवधारणा का, जो हमारा मूल है, जड़ है, हमारी पंचायतें, हमारी ग्राम सभा, उसको भी कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसी स्थिति लगातार रहती है तो कोविड-19 में हम पूरा नियमों का पालन करते हुए एक आंदोलन को लोगों के बीच में ले जाएंगे ताकि हमारी पंचायतों को जो कमजोर करने की साजिश है उससे लोगों को निजात दिलाई जा सके। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से देवेंद्र गुप्ता।